गंगा के गोद और हिमालय के छाया में बसा एक ऐसा स्थल जो जाना जाता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से, जहां पर विद्यार्थियों को भौतिक प्रगति के साथ साथ आत्मिक प्रगति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसी दिशा में एक प्रयास है लर्न फ्रॉम लीडर्स सीरीज का, जो तेजी से युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। वर्तमान सामयिक समस्याओं से जूझते युवाओं को उन परिस्थितियों से उबारने का एक प्रबल माध्यम बनता जा रहा है लर्न फ्रॉम लीडर्स सीरीज। नमस्कार, मैं ऋचा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं लर्न फ्रॉम लीडर्स सीरीज के 12वें एपिसोड में। विगत 11 एपिसोड में आप सभी का जो सहयोग प्राप्त हुआ वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इसी प्रकार आगे भी आप सभी हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी लाइक व सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे आज के इस सेशन को प्रेसाइड करेंगे आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे चेयरपर्सन धनंजय साहू जी, को चेयर चंद्रमौली उपाध्याय जी, कीनोट स्पीकर मोहन दास जी एवं एमिनेंट स्पीकर रोहित रावल जी व युग प्रहरी जी। मनुष्य में देवत्व के अवतरण से ही धरती पर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण संभव है। समस्त विश्व में व्याप्त अराजकता का एकमात्र समाधान मनुष्य में देवत्व के जागरण से ही है। किस प्रकार हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं, इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं अवतारी सत्ताएं और महापुरुष आदि। उनके जीवन का अध्ययन कर प्रेरणा प्राप्त कर हम स्वयं में श्रेष्ठता का समावेश कर पाते हैं। ऐसे ही आदर्श जीवन का जीवंत उदाहरण है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो आज वर्तमान समय में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आइए उन्हीं के श्रीमुख से निस्सृत ज्ञान गंगा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्रणाम और हृदय से सभी का अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। आज देखते देखते हम लोगों के इस लर्न फ्रॉम लीडर्स की जो यात्रा थी वो अपने 12वें सोपान तक पहुंच चुकी है। यदि पिछले 11 सोपानों का एक बार अवलोकन करें, उसका अवगाहन करके देखें, तो लगता है कि जो यात्रा थी वो बड़े ही सुखद परिणामों को लेकर के आई है। एक छोटा सा प्रयास था जिस पर परम पूज गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का एक अहर्निश आशीर्वाद बरसा और आज इतने सारे भाई बहनों के माध्यम से वो सारे के सारे कायत्री परिवार के युवा कार्यकर्तागण, जिनका जीवन इसी शांति कुंज के दिव्य परिसर की छत्र छाया में गुजरा है और जिनने सभी शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनके संरक्षण में आज ये यात्रा इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है कि न जाने कितने विद्यार्थियों का, कितने युवाओं का, कितने भाई बहनों का मार्गदर्शन करती हुई नजर आती है। और सही पूछें तो जिस तरह की परिस्थितियों में इस कार्यशाला की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, उन परिस्थितियों के विष को, जहर को, विषाक्तता को समाप्त कर पाने की, सुख पाने की सामर्थ्य यदि किसी में थी तो इसी तरह के प्रयासों में थी। क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये प्रयास प्रारंभ किया गया वो परिस्थितियां लगभग देवासुर संग्राम जैसी ही परिस्थितियां हैं। आज एक तरह का युद्ध, एक तरह का संग्राम, एक तरह का समर शुभ अशुभ के मध्य, प्रकाश अंधकार के मध्य, उजाले और अंधेरे के बीच में, देवत्व और असुरता के युद्ध में लड़ा जा रहा है। अंतर मात्र इतना है कि इस बार का युद्ध किसी युद्ध की भूमि पर नहीं बल्कि मनुष्य की मनोभूमि पर, मनुष्य के चित्त पर लड़ा जा रहा है। एक अजब तरह की परिस्थितियां आ गई जहां पर स्वार्थ और संकीर्णता फैशन में आ गए हैं और व्यक्ति सादगी को, सज्जनता को, धर्म न्याय, नीति मूल्य, सदाचार, उन सारे गुणों को जिनके ऊपर मानवता का भवन खड़ा हुआ सा नजर आता है, उनको भूलता सा नजर आता है। और फिर व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो गई हैं। महत्वाकांक्षाएं यदि बहुत ज़्यादा हों और आदमी के पास क्षमताएं सीमित हों तो परिणाम में व्यक्ति को सिर्फ तनाव मिलता है।
एक अतृप्ति असंतोष के अलावा व्यक्ति के हाथ में और कुछ आता नहीं है। और आज उस तरह के व्यक्तित्वों की बाढ़ सी आ गई, जहाँ पर आदमी के मन में शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने। पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था और एक ही लंका थी, अब तो हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया है और हर व्यक्ति के घर में एक कुरुक्षेत्र सजा हुआ सा नजर आता है। और सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जो इसका परिणाम निकल करके आया है, इस जद्दोजहद का, वो ये है कि ईश्वर प्रदत्त ये उपहार, जिसको हम मनुष्य के जीवन के रूप में, मानव जीवन के रूप में पुकारते हैं, उसका जितना अवमूल्यन, जितनी उपेक्षा, जितना तिरस्कार और जितना अपमान वर्तमान परिस्थितियों में हुआ है, उतना शायद ही पहले कभी हुआ होगा। मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को, मन की भावनाओं को, अपने ईश्वर प्रदत्त उपहार को पूरी तरह से भुला करके बैठा है। और ऐसे में जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, उनको घटता देखकर पीड़ा बहुत होती है। प्रश्न भी उभरते हैं कि आखिर मानवता का भविष्य क्या होगा। यदि सब कुछ ऐसे ही चला तो क्या इस धरती से संस्कृति विदा हो जाएगी, मानवता नष्ट हो जाएगी? क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सार्थक और सकारात्मक छोड़ करके नहीं जा पाएंगे? और ऐसे समय में दोस्तों, जब प्रश्न उभरते हैं, तो समाधान के रूप में ये एक संकल्प जो युवा भाई बहनों के माध्यम से निकल करके आया है, एक आशा के केंद्र के रूप में प्रतीत होता है, जहाँ पर उनके जीवन की कहानियाँ, जहाँ पर उनके जीवन के अनुभव अनेकों के जीवन में इस प्रेरणा को उत्पन्न करते नजर आते हैं कि यदि एक ही दीपक जलता है तो क्या उसके अंदर अमावस की रात के अंधेरे को समाप्त कर पाने की सामर्थ्य है। और वो प्रेरणा, ये एक प्रयास अपने इस निरंतर एक के बाद एक नए चढ़ते सोपानों के माध्यम से पूरा करता हुआ दिखाई पड़ता है। और आज इसी तरह की एक और भावना को लेकर ये लर्न फ्रॉम लीडर का ये 12वां एपिसोड आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। इस प्रयास के माध्यम से अनेकों के जीवन में नई प्रेरणाएं जन्में, ऐसी हम लोगों की शुभकामना है, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर अनवरत बरसता रहे, ऐसी शुभकामना, ऐसी मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चन्मय पंड्या जी, आपकी ज्ञान गंगा का श्रवण पान हम सभी के लिए सदैव ही प्रेरणा स्रोत रहा है और आगे भी रहेगा। अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ सेशन के चेयरपर्सन धनंजय साहू जी को, जो कि मैनेजर री इंश्योरेंस हेड ऑफिस नेशनल इंश्योरेंस को लिमिटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट PSU कोलकाता इंडिया के, फॉर्मर HOD मार्केटिंग एंड प्रिंसिपल रीजनल ट्रेनिंग सेंटर NIC RO देहरादून उत्तराखंड इंडिया के। नाम दोस्तों, मेरा नाम धनंजय कुमार साहू है और मैं शांति कुंज के ही समर्पित कार्यकर्ता डॉक्टर शिवानंद साहू जी का पुत्र हूँ। मेरे पिता डॉक्टर शिवानंद साहू जी वहाँ पर पिछले 32 सालों से होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में शांति कुंज चिकित्सालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं लर्न फ्रॉम लीडर्स से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्हें इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। और इन सब के पीछे जिनका सोच है, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो प्रो VC DSV भी हैं और जो हमारे बचपन के साथी भी हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बड़े मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग वहीं हरिद्वार से हुई है, भल्ला कॉलेज से इंटर कॉलेज किया, गुरुकुल से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं भोपाल आया, वहाँ से मैंने MCA किया। MCA करने के बाद भोपाल के ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए लेक्चरर, पार्ट टाइम लेक्चरर ज्वाइन किया। पार्ट टाइम लेक्चरर के साथ साथ एक पार्ट टाइम वेब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, तो दिन में पढ़ाता था, शाम को प्रोग्रामिंग करता था। और ये सब करते हुए फिर हम वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर फिर एज ए लेक्चरर सेलेक्ट हो गए। फिर वहाँ पर
दो साल पढ़ाया, उसके बाद उनकी ही एक संस्था बिलासपुर में है जो चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर फिर हमको एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ से वहाँ भोपाल से बिलासपुर शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ 6 साल अपनी सेवाएँ दी एज ए कंप्यूटर एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, और 1 साल OSD के रूप में भी काम किया। वहाँ काम करते करते फिर हम गवर्नमेंट की ये वैकेंसी आई जहाँ पे अभी हम कार्यरत हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है। यहाँ पर कंप्यूटर की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंजीनियर की, तो यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पर चूँकि हमारा पहले से बैकग्राउंड था, टीचिंग कर ही रहे थे 7-8 साल से, और डेवलपमेंट का भी एक्सपोजर था, तो रिटर्न तो एक बार में ही क्वालिफाई हो गया और इंटरव्यू भी बहुत आसानी से हम पार कर गए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया और एज ए हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IT नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन किए। IT में काम करते करते फिर हमारा ट्रांसफ़र यहाँ लगभग 9 साल काम करने के बाद ट्रांसफ़र हो गया देहरादून में। हमने फिर वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, मतलब IT डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और फिर कुछ 1 साल प्रिंसिपल वहाँ के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी रहे। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हुआ हमारा, हाथरस चले गए। हाथरस में सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, तो वहाँ ब्रांच का एक एक्सपोजर मिला। फिर अभी रिसेंटली 3 महीना पहले हमारा ट्रांसफ़र वापस कलकत्ता हुआ प्रमोशन के साथ, और अभी हम यहाँ पर मैनेजर री इंश्योरेंस हैं हेड ऑफिस में। तो अभी हमारा वर्तमान में कार्य है जो कंपनी का जितने भी हम प्रीमियम साल भर में लेते हैं, जैसे पिछले साल हमने लगभग 15,500 करोड़ का प्रीमियम किया, तो 15,500 करोड़ के प्रीमियम के पीछे इतनी सारी जो कहना चाहिए एक वॉल्यूम है जिसको हम इंश्योरेंस देते हैं, जो आर्टिकल्स हैं जो या जैसे इंडस्ट्रीज हैं उनको इंश्योरेंस देते हैं, उसका भी री इंश्योरेंस कराना होता है। ऐसा तो मतलब 15,500 करोड़ प्रीमियम लिए हैं, इसका मतलब कितने लाख करोड़ का हमने बीमा किया होगा, मतलब सम इंश्योर्ड का। तो उतना यदि कभी लॉस हो जाए तो पूरी कंपनी जो है वाइप्ड आउट हो जाएगी, तो उसके लिए भी हमें री इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो वो सब अभी हम यहाँ पर वर्तमान में देख रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो IT के बंदे हैं, अचानक से कहाँ इंश्योरेंस में आ गए, फिर री इंश्योरेंस में आ गए, फिर ये सब मतलब क्या हो गया इनके साथ में। बट ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम कुछ सोचें लेकिन गुरु जी की प्लानिंग हमारे लिए कुछ और हो, क्योंकि लगता है ना कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं मिले तो बहुत मतलब बुरा लगता है, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा सोचा होगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मतलब मैं सब तो चमत्कार ही हुआ है, बोलिए कि स्कूलिंग में मैं इतने अच्छे मेरे मार्क्स नहीं थे कि मुझे BSc में कंप्यूटर साइंस मिले, प्लेन मैथमेटिक्स PCM मिला, लेकिन मेरा मतलब शुरू से मन था कि मैं कंप्यूटर से आगे मतलब कोर्स करूं और मैं जॉब कंप्यूटर में करूं। तो देखिए कि उस समय मैं NIT था वहाँ पर हरिद्वार में, तो वहाँ पर NIT ज्वाइन किया, NIT में कोर्स किया। NIT में कोर्स करने के बाद BSc कर रहा था कि एक मतलब 96 की बात है कि शायद गुरु पूर्णिमा या बसंत पंचमी की बात है, शांतिकुंज में बहुत भीड़ थी और इतनी भीड़ थी कि लोग जो है बाहर बरामदे में रोड तक में रुके हुए थे। तो शांतिकुंज में ये बोला गया कि यदि सभी कार्यकर्ताओं को कि आप अपना एक एक कमरा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बाहर से आए हुए परिजनों को वहाँ पर रुकाया जा सके। तो हमारे यहाँ पे भी एक भोपाल की फैमिली आके रुकी, मैं प्लेन BSc कर रहा था, मतलब कनेक्शन देखिए, मैं प्लेन BSc कर रहा था, वहाँ भोपाल की फैमिली आके रुकी जिनको हम नहीं जानते थे, वो वहाँ पे रुकी जब तक प्रोग्राम हुआ, 2-4 दिन वहाँ पे रुके, फिर उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई बोलिए कि वो वापस भोपाल गए। भोपाल में नई यूनिवर्सिटी खुली जहाँ पे MCA प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उन लोगों ने मेरे लिए वहाँ से एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म भेजा। एंट्रेंस फॉर्म मुझे मतलब एंट्रेंस फॉर्म अचाया अचानक से दिन मिला, मैं फॉर्म भरा और क्वालिफाई हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। मतलब देखिए मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब मेरा मन था कंप्यूटर करने का, गुरुजी ने ऐसा प्लान बनाया कि देखिए कि मतलब लोग वहाँ पर रुके, फिर वहाँ से मैं सीधा वहाँ भोपाल पहुँच गया पढ़ने के लिए, और आज के डेट में उनसे एकदम मतलब घर जैसा संबंध है। तो और
आगे ऐसे ही, मतलब मैं जॉब के लिए, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो जॉब के लिए जैसे कि LNCT में मैंने बताया ना कि मेरा लेक्चरर के रूप में सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू में जाने से पहले जब मेरा बायोडाटा देखा, उसमें लिखा था शांति कुंज, देख के ही इतना प्रभावित हुए कि उन लोग तो मतलब सोच ही लिया था कि नहीं इस बंदे को तो लेना ही है। फिर बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज तो मतलब मुझे लगता है कि कई बार कि जो हम कभी भी पढ़ते हैं ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो NIT में जितने मैंने कोर्स किए थे, मतलब वो उनको वो सब्जेक्ट के ही टीचर चाहिए था जो मैंने वहाँ पे कोर्स किया हुआ था। तो मतलब और वो तो NIT का आपको पता है प्रैक्टिकली बहुत अच्छा उन लोग पढ़ाते थे उस समय, अभी तो पता नहीं। तो वो बहुत अच्छा काम आया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ये सब मतलब चमत्कार जैसा ही लगता है। और अभी जो कुछ भी हैं आज के डेट में हम, वो सब गुरु जी की कृपा है और माता पिता का आशीर्वाद है जो हम मतलब यहाँ पे पहुँचे हैं। अपने बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, अब दोस्तों को मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो मैं अपने जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं उन अपने बच्चों को बोलता था, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में आपको पता है प्रोग्रामिंग बहुत, मतलब प्रोग्राम की जो लाइंस होती हैं इतनी लंबी लंबी होती हैं कि कई हजारों हजारों लाइंस होते हैं, तब जाके एक बड़ा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनता है। तो बच्चे उसको देख के डर जाते थे, बोलते सर इतना लंबा प्रोग्राम कैसे लिख पाएंगे हम। तो अचानक से मतलब एक दिन मैंने अखंड ज्योति में ही एक स्टोरी पढ़ा था जिसमें उस स्टोरी में लिखा हुआ था, मैंने वही स्टोरी बच्चों को सुनाया, मैं आज आपको भी वही सुनाना चाहता हूँ। एक नौजवान था जो जिसको मतलब पहाड़ पे एक मंदिर है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे पहाड़ पे मंदिरें होती हैं, पहाड़ पे मंदिर था, उसको पहाड़ के मंदिर पे भगवान के दर्शन के लिए जाना था। मतलब उसको लक्ष्य था भगवान के मंदिर को, मंदिर पे जाके दर्शन करना है और पहाड़ के ऊपर। लेकिन उसके सामने में लगभग 1000 सीढ़ियों का एक रास्ता था, जो 1000 सीढ़ी जब पार कर लेगा तभी जाके वो पहाड़ के ऊपर में पहुँच पाएगा, मंदिर के दर्शन कर पाएगा। लेकिन वो सोच रहा था कि कैसे ये 1000 सीढ़ी मैं पार कर पाऊंगा, नीचे एकदम टेंशन में था कि मैं कैसे पार कर पाऊंगा। ऐसे करते करते देख रहा था कि अंधेरा भी होने वाला है और पता नहीं रास्ते में क्या क्या और कठिनाइयां आएंगी, यही सब सोच रहा था। तभी क्या देखता, ऊपर से एक बुजुर्ग सा इंसान, बुजुर्ग आदमी ऊपर से उतर रहा होता है और बड़े मजे से उतर रहा होता है। उसके हाथ में एक लालटेन होता है और वो लालटेन के सहारे धीरे धीरे मतलब आराम से मस्ती से उतर रहा होता है। जब वो उतर जाता है तो ये नौजवान पूछता है कि दादा इतने ऊंचे से आप मतलब इतना आराम से कैसे चले आए, आपको रास्ते में कोई डर नहीं लगा आप, और पता है ना इसमें 1000 सीढ़ियां हैं। बुजुर्ग आदमी बोला कि भैया मैं तो नहीं जानता हूँ कि इसमें 1000 सीढ़ी है, बस मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे हाथ में ये लालटेन है जिससे मैं सामने देखता हूँ, उस लालटेन से मुझे केवल 4 सीढ़ी दिखाई देती है और मैं उस 4 सीढ़ी जैसे ही पार करता हूँ फिर मुझे अगली 4 सीढ़ी दिखाई दे जाती है। तो ऐसे मुझे 4-4 सीढ़ी दिखती जाती है और मैं रास्ता आराम से पार कर लेता हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कब मैं ऊपर से नीचे आ गया। कहानी छोटी थी लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा था कि जो भी आप कदम बढ़ाएं, जो भी आप कार्य करें उसके लिए आप प्रारंभिक कदम तो बढ़ाएं, वो जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते जाएंगे आपको आगे का जो स्टेप्स हैं अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं अपने भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि हमें अपना दायरा बढ़ाना है लेकिन स्टेप्स छोटे छोटे रखने हैं, प्रोसेस छोटे होने से हमारे जो बड़े बड़े गोल भी आसानी से हमको मिल जाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मतलब एक जनरल टेंडेंसी होती है, मतलब बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है कि जैसे इंजीनियरिंग में हम बोलते थे बच्चों की चलो IAS की तैयारी कर लो, IAS की तैयारी कर लो, तो बच्चे लोग बोलते थे कि जैसे बिलासपुर में तो भाई रिमोट एरिया के हैं, गांव के लोग हैं, उनके घर वाले तो कभी मतलब इतने बड़े नाम भी नहीं सुने होते हैं कि IAS। तो उन लोग बोलते थे कि अरे सर हमारे घर में तो हमारे घर के हमारे खानदान में किसी ने ऐसा कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, हम क्या कर पाएंगे। तो मैं उनको समझाता था कि भाई ऐसा नहीं है, जो वो नहीं कर पाए वो आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं उनको एक कहानी सुनाता था। एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक आदमी कहीं से गुजर रहा होता है, उसने वो क्या देखता है कि एक सड़क से किनारे हाथी जो है एक पतले से रस्सी से बंधे हुए हैं और चुपचाप खड़े हुए हैं। उस आदमी को बहुत आश्चर्य होता है कि भाई इतना विशाल हाथी, इतना ताकतवर हाथी, ये छोटे से रस्सी में बंधा हुआ है, मतलब
कैसे? मतलब ये तो इसको कभी भी तोड़ के निकल सकता है वो, उसको उत्सुकता होती है कि भाई इसके पीछे रीजन क्या है, चलो चल के पूछता हूँ। तो वहां पर जो उसके मालिक होते हैं उनसे पूछता है कि भैया ये इतने मतलब ताकतवर विशाल हाथी कैसे, मतलब छोटे से पतले रस्सी से उसको बांध रखे हैं और ये भाग मतलब इसको तोड़ के भागते नहीं है। तो मालिक बोलता है कि देखिए साहब, इसको हम बचपन से ऐसी रस्सी में बांध के रखे हुए हैं और इस बचपन में तो इसकी इतनी ताकत नहीं थी कि इस रस्सी को तोड़ सके। उसने कई बार कोशिश किया, रस्सी टूटा नहीं। उसके अलावा उसने देखा कि उसके जो और उसके जो बड़े बड़े जो हाथी होते थे, उसके जो सीनियर होते थे, वो भी वैसी रस्सी में बंधे हुए रहते थे, वो भी खड़े रहते थे। तो उसके मन में ये बैठ गया कि ये रस्सी हम कभी नहीं तोड़ पाएंगे। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसने फिर वो प्रयास भी छोड़ दिया और वो मन में उसने बांध लिया कि बस ये रस्सी जब हमारे पैर में बंधी है और हम इसको हम तोड़ के नहीं जा सकते। आश्चर्य में डूब गया कि भाई इतना विशाल ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपने बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस पुरानी बात पे यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता और अपनी बनाई हुई मानसिकता मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, असफलता रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं तो आपको अपने सपने सच पूरा करने के लिए उस बंधन को तोड़ डालिए, क्योंकि आप हाथी नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंट होने का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही है। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हो तो किसी और चीज़ में भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जैसे आपको गाना अच्छा लगता हो, डांसिंग अच्छा लगता हो, पेंटिंग अच्छा लगता हो, तो इंटेलिजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है। इंटेलिजेंस कई प्रकार के होते हैं। जैसे जिन लोग अच्छा लिखते हैं उनको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है जिनकी साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं, और मतलब बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस जो जिमनास्ट होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं जिनकी इमोशंस को समझने और मॉनिटर करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब डेफिनेशन हैं इंटेलिजेंस के। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप इंटेलिजेंस नहीं है। हो सकता है आपकी रुचि कहीं और हो जहाँ पे आपको अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी है, शो करनी है। तो आप एग्जाम्पल रूप में दे सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, बिल गेट्स हैं, ये कभी भी स्कूल में अच्छे नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ उनका इंटरेस्ट था वहाँ उनने बहुत अच्छा करके दिखाया और पूरी वर्ल्ड जो है आज उनका उनका एग्जाम्पल देती है। तो आपको वही चीज़ आपको अपने मतलब अंदर खोजना है और उसको आगे बढ़ाना है, ताकि आप अपने 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 हॉबी को या अपने एक जो इंटरेस्ट वाली चीज़ को आगे बढ़ा के अपने कैरियर को मतलब एक सफल मुकाम तक पहुंचा सकें। और भी कई बार है कि खाली मतलब आज के समय में खाली जैसे मतलब मन मन बोले मार्क्स ही काफ़ी नहीं है। तो मार्क्स जो है जनरली आपने सुना होगा IQ EQ, तो वो IQ की कैटेगरी में आता है, मतलब एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है जो सफल व्यक्तित्व के लिए ओनली 20% इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो 80% है वो EQ पे डिपेंड करता है। EQ क्या होता है कि जो आप जो लोगों को समझ सके, उनकी उनकी भावनाओं को समझ सके, उसके हिसाब से काम कर सकें। तो जिनकी EQ अच्छी होती है, मतलब ये एक रिसर्च है कि जो जिनकी EQ अच्छी होती है वो अपने जीवन में अच्छे मतलब सफल भी होते हैं और कोई भी परेशानी कोई भी बाधा है उसको सॉल्व करने के लिए भी वो ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से सक्षम होते हैं। जो भाई बहन घर से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो प्लीज़ अपने अकेले रहते हैं घर के बाहर तो गायत्री परिवार शांति कुंज पर मतलब परिजन या मतलब गायत्री परिवार के बीच में ही रहें, उनके संपर्क में रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर हम क्या हम इस कोई भी व्यक्ति हो घर के बाहर अकेला होता है, तो हो सकता है कभी किसी वक्त ऐसा मतलब हो कि हम
हम अपना व्यक्तित्व मतलब हम अपना स्वविवेक से काम न करें, कोई ऐसा गलत काम कर दें, लेकिन यदि जब हम परिजनों के बीच हैं तो हो सकता है हम चाह के भी ऐसा काम न करें और हम अपनी मर्यादा को और शांति की मर्यादा को बना के रखेंगे। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग जहाँ पे भी रहें परिजनों के बीच में रहें, उनके टच में रहें। और लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी प्लान करिए वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। हाँ, लेकिन यह है कि आप ऊपर वाले के चाहने के साथ में यदि अपनी सोच मिला दें तो रिजल्ट बेहतर होगा। और अपने पेरेंट्स के ऊपर में भरोसा रखिए, गुरुजी की बातों पे भरोसा रखिए, वो जो सोचेंगे आपके लिए जो करेंगे वो बेहतर ही होगा। और जो भी करें ईमानदारी से करें, निष्ठापूर्वक करें, बुराई का साथ ना दें और अच्छाई का दामन ना छोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगा के रखिए, लोगों से दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय साहू जी। असफलताएं रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं, इन छोटी लाइनों में समाहित है सफलता के सूत्र। आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगी इस सेशन के को चेयरपर्सन चंद्रमौली उपाध्याय जी को, जो कि बिजनेसेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं ब्रांड डेवलपर्स लिमिटेड में, MBA ऑकलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। चंद्रमौली उपाध्याय जी, नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंद्रमौली उपाध्याय। आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ गायत्री विद्यापीठ। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर चिन्मय पांड्या, चिन्मय भैया वी ऑल कॉल हिम, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू share my learnings and experiences with you all. I would like to start with my biggest learning from Shanti Kunj, and that's from Parampoojya Gurudev. And the saying goes, trust in yourself and think that you are the most important person in the world. It is nothing reminding ourselves that we are important and we can do anything. Now, once we graduate, once we finish our schooling, and when we step out in the actual world, when it's time to look for jobs, when it's time to look to make a career, things turn out to be a bit different to how they are in the school or in the university. Yes, not saying graduating, studying and getting a degree is easy. It takes certain amount of hard work, dedication, and takes lots and lots of practice to finish those homeworks, those classworks, those theses. But again, that is in theory. And what we require outside is an actual practice, actual work, and hands-on experience. And when we step out, that's the time to apply those learnings. Now, we all are very different. We should identify what we are good at and what we like naturally, what comes naturally to us. Because not everybody is going to be a doctor, not everybody is going to be an engineer, not everybody is going to be a chartered accountant, or a scholar, or a professor. That doesn't mean if you have not become any of those, you are unsuccessful. There's still thousands of things you can do.
and you can be equally successful. We should identify what we are naturally good at, what our interests are. And once we have the clarity, we can choose our career path accordingly. And then the work will not seem very mundane. It won't seem very boring. It will be a lot more enjoyable. And naturally, we will have more success. We will thrive. So I would like to give my example. When I was in class 11, coming towards the end, my classmates were very clear. Most of them, they wanted to pursue engineering after finishing their 12. I was not interested. I was not ready to study for another 4 years, invest a bit of money in engineering, and then look for work. I thought, why not? I get out to the real world, have some practical experience, be independent, learn a few things, and I can pursue my education later on. And there aren't many jobs which you could get in India after finishing your 12. Most of the jobs, they require you to have at least a graduate degree. Fortunately for me, they were call centers, and they would hire plus two students as long as they spoke English. There was another big challenge for me, because in Shanti Kunj, Gayatri Vidyapeeth was all Hindi medium. All the textbooks, all the learnings used to happen in Hindi. So there was not enough exposure to learn English, and I did not speak any English at all. But I was very clear that I had to learn English if I wanted to work after finishing my 12th. Now, my second learning comes into play. Be open to opportunities. Look for them. Don't give up. And there's plenty of them in the campus within. Now, I bought a couple of textbooks. Wanted to learn my grammar. Wanted to work on fundamentals. And also in the process, I stumbled across a gentleman from Ireland. Name was Garrett. And coincidentally, he was an English teacher, and he had taken up some project in the university. Now, the conversation started, and I learned that he was an English teacher, and I so badly wanted to learn from him. You know, who better to teach you than an English teacher whose primary language is English? But why would he teach me? What was in it for him? I offered him something. I offered him a meal, a home-cooked meal. For every hour of tuition, one meal and a glass of carrot juice. And he agreed. So every evening, he would teach me, and we would offer him a home-cooked meal and a glass of carrot juice. And he taught me for 7 months. I'm not saying those 7 months I learned as much as I wanted to, but still it was enough to go out there and look for a job at least. It was not nothing, you know. There was a bit of learning, there was a bit of confidence. I'm not saying I learned enough to be able to start the job again, but at least it gave me a foundation. And even when he left, I continued reading, continued learning, and got out. Took a bit of time. I struggled. It was a massive change coming to Delhi from Shanti Kunj. The environment in Shanti Kunj is so protective. You never have to struggle. So many people around, friends, families. And suddenly when you step out to a big city, everything starts to seem daunting, very, very difficult.
But I had clarity in my mind what I wanted to do. And when things started to seem tough, I reminded myself why I'm here for. I wanted to go back to Shantigunj. I wanted to live a normal life. Sometimes it was difficult, rejection after rejection. Because still my English was not up to the standard that a call center will hire me. Luckily, I got a job. I don't know what happened that day. And the HR lady, she saw something in me, offered me the position. And that's where my professional life started. And I worked in call centers for 5 years in Delhi. While working in the call centers, I did my graduation. So there was not enough exposure to learn English, and I did not speak any English at all. But I was very clear that I had to learn English if I wanted to work after finishing my 12th. Now, my second learning comes into play. Be open to opportunities. Look for them. Don't give up. And there's plenty of them in the campus within. Now, I bought a couple of textbooks. Wanted to learn my grammar. Wanted to work on fundamentals. And also in the process, I stumbled across a gentleman from Ireland. His name was Garrett. And coincidentally, he was an English teacher and he had taken up some project in the university. Now, the conversation started and I learned that he was an English teacher and I so badly wanted to learn from him. You know, who better to teach you than an English teacher whose primary language is English? But why would he teach me? What was in it for him? I offered him something. I offered him a meal, a home-cooked meal. For every hour of tuition, one meal and a glass of carrot juice. And he agreed. So every evening, he would teach me and we would offer him a home-cooked meal and a glass of carrot juice. And he taught me for 7 months. I'm not saying those 7 months I learned as much as I wanted to, but still it was enough to go out there and look for a job at least. It was not nothing, you know. There was a bit of learning, there was a bit of confidence. I'm not saying I learned enough to be able to start the job again, but at least it gave me a foundation. And even when he left, I continued reading, continued learning, and got out. Took a bit of time. I struggled. It was a massive change coming to Delhi from Shantigunj. The environment in Shantigunj is so protective. You never have to struggle. So many people around, friends, families. And suddenly when you step out to a big city, everything starts to seem daunting and very, very difficult. But I had clarity in my mind what I wanted to do. And when things started to seem tough, I reminded myself why I'm here for. I wanted to go back to Shantigunj. I wanted to live a normal life. Sometimes it was difficult, rejection after rejection. Because still my English was not up to the standard that a call center will hire me. Luckily, I got a job. I don't know what happened that day. And the HR lady, she saw something in me, offered me the position. And that's where my professional life started. And I worked in call centers for 5 years in Delhi. While working in the call centers, I did my graduation and that was part-time, distance education. Now came a time in life
when I wanted to pursue my master's, now I was ready to commit to studying and take a higher education. And for the higher education, now I had learned enough, I had acquired enough confidence to go overseas and do my master's. So I chose New Zealand and I applied for MBA, Masters of Business Administration, specializing in international business, and I got accepted. So I finished my MBA from Auckland, got a job for myself, and now I'm successfully working as a business development manager for brand developers. I've also been given the permanent residency from the New Zealand government, so I'm a citizen of this country. The learnings that has been my journey so far, now I will talk about learnings and what has helped me. Be open to the opportunities, as I said. Have clarity. Know what you want to do. And once you have the clarity, you can single-mindedly pursue your goals. And when you are pursuing those goals, stay committed. Do not give up. There will be lots of failures. There will be lots of setbacks. But keep going. Because the success, it will eventually come. And those failures, those setbacks, are part of our success. They teach us. Do not get disheartened when fail. Remember the final goal. What you want to do. And if you keep pushing, if you are relentless, if you keep trying, you will get it. Keep learning. Learn from the mistakes. Every time you fail, every time you do not get what you want, reflect on things. Find out what you did wrong, what you could improve. And next time, when you try again, apply those learnings. And if you keep learning, and if you keep correcting your mistakes, chances are you will succeed. And have ambition. Sometimes we are too caught up in the environment we are in, and we can't envision ourselves doing something big, something different. But have vision. Think big. Because everything started, the first step is thinking. And first step is believing what we can do. And once we have set our mind on something, the follow-up, working for it, becomes a bit easier. Once we have the clarity, once we want to know what we want to achieve, what we want to do. And the final learning. Go for it. Do not stop. You will get it. That's what I have learned so far in my short career. And again, success is very subjective. I do not believe success is making a lot of money, acquiring a big position in an organization. I do not believe success is accomplishments. Success is achieving our goals, feeling happy and content. And I hope I have been able to add something which will help you all. And I would like to finish by thanking all of you. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमाली उपाध्याय जी का, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वयं की क्षमता पर विश्वास करके बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है।
अब मैं स्वागत करना चाहूंगी इस सेशन के कीनोट स्पीकर मोहनदास जी का, जो कि लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में, साथ ही ये सेवाएं दे रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में, जहां वो सिखाते हैं तबला और पखावज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिगुंज हरिद्वार उत्तराखंड में। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मोहनदास देव संस्कृति विश्वविद्यालय से लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस एपिसोड में अपना मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही मैं आदरणीय प्रो वाइस चांसलर चिन्मय भैया को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही लर्न फ्रॉम लीडर्स के सारी टीम का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर प्रदान किया। जीवन के कुछ साल पीछे जाते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, किस तरह से मैंने गायत्री विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद फिर देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला मुझे, फिर साथ ही मैं जिस तरह से मैंने जॉब करी, साथ ही मैंने अपने म्यूज़िक को किस तरह से अपने जीवन में उसको यूज़ किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरे पापा पिताजी 85-86 में यहाँ पे आ चुके थे, फिर 88-87 में मेरा बर्थ हुआ, फिर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से 1990 में मुझे और मम्मी को अपने होम टाउन जो मेरा हमारा घर है वहाँ पे जाना पड़ा। फिर उसके बाद कुछ 4-5 साल वहाँ रहने के बाद मेरे जो दादाजी थे 93-94 में उनका स्वर्गवास हो गया, तो जिससे पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ कम हो गई, तो पटना अश्वमेध यज्ञ आई थिंक 93-94 में हुआ था जिसमें माताजी का आगमन हुआ था। तो उसमें फिर पापा पिताजी तो थे मेरे, मम्मी को और मुझे साथ में माताजी से मिलवाया, और फिर माताजी ने कहा कि सब सा परिवार शांतिगुंज लेके आओ और साथ में वहीं पे रहना है। तो फिर 94 में मैं यहाँ पे आ गया था, 93-94 में। फिर गायत्री विद्यापीठ से मैंने अपना स्कूली शिक्षा आरंभ हुई। तो जब मैं फर्स्ट डे मेरा स्कूल में था, तो और स्कूल में जैसे जाते हैं तो बच्चे स्टार्टिंग में परेशान करते हैं कि नया बच्चा कुछ आता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं तरह तरह से उनको, लेकिन मैं जब आया यहाँ पे तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया सबका, जो मेरे क्लास टीचर थे, कि ये नया बच्चा आया है, आप इनके साथ इनको अपने साथ बिठाओ। तो फिर जो बच्चे थे जो मेरे क्लासमेट्स अभी भी हैं पूरा अभी तक मेरा सपोर्ट करते हैं वो सब, तो उन्होंने मेरे लिए टेबल कुर्सी और सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए करी। उस समय कोई चपरासी या फिर क्यों नहीं हुआ करता था, सारी जो चीज़ें हैं हमको स्वयं करनी पड़ती थी, तो इसलिए कुछ भी काम होता था, सफाई का काम हो गया, चाहे टेबल कुर्सी लाना है, कुछ भी काम करना है, क्लासरूम में कुछ भी काम करना है, वो सब बच्चे किया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने सारी व्यवस्था मेरी बनाई। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ता है, जिससे स्वयं सेवा का भाव उत्पन्न होता है। तो स्टार्टिंग में जब मैं आया तो गाँव में जब था तो उतना पढ़ाई का उतना स्कोप नहीं होता गाँव में, तो मैं पढ़ने में थोड़ा सा वीक था। फिर जो मेरे क्लासमेट्स थे मेरे टीचर थे स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद हम फिफ्थ क्लास में आए, तो फिफ्थ क्लास में जब आए तो उस समय बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उस समय बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पास भी हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि गाँव से मैं पढ़ के आया था, तो उस समय इंग्लिश तो फिफ्थ क्लास के बाद स्टार्ट हुआ करती थी, और यहाँ पे जब पढ़ा तो इंग्लिश बहुत जल्दी थर्ड क्लास से या सेकंड क्लास से या स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता था, तो कुछ मेरे समझ में आता नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ों को पार करते हुए मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ फिफ्थ क्लास में। फिर साथ ही साथ मेरा म्यूज़िक का बैकग्राउंड था, मेरे दादाजी के पिताजी वो सब म्यूजिशियन थे,
तो साथ ही हमारे परिवार में म्यूज़िक का माहौल था। तो फिफ्थ क्लास में जैसे ही मैं आया तो उन्होंने म्यूज़िक का जो शिक्षा था पापा ने मेरा स्टार्ट कर दिया। तो म्यूज़िक के साथ साथ मुझे अपना पढ़ाई पे भी फोकस करना होता था, तो उन चीज़ों को साथ में लेके चलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन कई बार उस चीज़ के लिए फिर डांट भी पड़ती थी, वही खेलने में भी ज़्यादा ध्यान रहता था, तो वो लगता था कि उस समय मैं क्या करूँगा म्यूज़िक सीख करके, तबला सीख करके। तो उस समय फिर भी वो कैसे कैसे करते हमने क्लासिकल संगीत सीखा और इलाहाबाद पर्याय संगीत समिति जो होता है उससे प्रभाकर उत्तीर्ण किया मैंने, और साथ ही साथ पढ़ाई का भी स्कूल में गए थे विद्यापीठ में सीखते हुए हमने उसको किया। तो उसके बाद सेवेंथ एट्थ क्लास में आ गए तो बहुत अच्छे से मैं तबला बजाना सीख गया था। यहाँ के मिशन के जो जितने भी गाने थे और यज्ञ होता था, सब बच्चों का यज्ञ कराया जाता था, गर्मी की जो छुट्टी होती थी उसमें पूरा एक पांडाल लगता था, उसमें यज्ञ का आयोजन किया जाता था, उसमें जो गायत्री विद्यापीठ के बच्चे होते थे उन्हीं के ही द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाता था, स्टार्ट टू एंड सब कराया जाता था, पूरा म्यूज़िक का टीम होता था, तो मैं उस म्यूज़िक की टीम में था। तो ये बहुत ही ऐसा अनुभव था कि जीवन में वो चीज़ फिर मिलना मुश्किल है। तो फिर क्या होता था कि गर्मी की छुट्टी हो जाती थी तो उसमें दो महीने की छुट्टी हुआ करती थी, तो मेरे पापा संगीत विभाग से जुड़े हुए थे तो टोलियों में जाते रहते थे, गायत्री विद्यापीठ का जो टीम था संगीत का टीम था, तो उसमें जैसे कई बार संगीत की कोई टोली जाने वाली होती थी तो कोई तबला बजाने वाला नहीं होता था, तो वो मुझे ले जाया करते थे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, कि चलो यहाँ पे यज्ञ है, यहाँ पे एक पांच कुंडी यज्ञ है, तो तुम चलो हमारे साथ तबला वहाँ पे बजाना है, संगत करना है। तो मैं उस समय सातवीं आठवीं क्लास में हुआ करता था और तभी से मैं टोलियों में जा कर के मैं अपना वहाँ पे योगदान देता था, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता था वो। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े अपने जीवन में, सारी चीज़ें इस तरह से सीखने को मिली, वो भी बिना कुछ पैसा खर्च किए हुए। तो लेकिन हम बाहर कहीं भी जाए तो एक एक चीज़ सीखने के लिए, एक एक स्किल को सीखने के लिए बहुत ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर चूँकि गायत्री विद्यापीठ एट्थ क्लास तक था, उसके बाद नाइन्थ में हम बाहर के स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग, क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही अलग एनवायरनमेंट था। जब हम लोग, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, तो उस समय सिर्फ गायत्री विद्यापीठ के बच्चे ही, सॉरी शांति उनके बच्चे ही पढ़ा करते थे गायत्री विद्यापीठ में, तो मुश्किल से छः बच्चे, सात बच्चे, आठ बच्चे ऐसे हुआ करते थे। तो हम तीन चार लोग थे जो हमारे क्लास मेट थे। फिर बाहर गए पढ़ने के लिए तो स्टार्टिंग का अनुभव बहुत ही बेकार था। जब पहला दिन था हमारे स्कूल में, बाहर के स्कूल में, तो बच्चों ने बहुत ही परेशान किया हमको। हमारे चोटी हुआ करती थी, हम लोग बहुत बड़े बड़े चोटी रखा करते थे, तो उन चोटियों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमको बहुत ही परेशान किया जाता था। तो उस चीज़ से हम लोग फिर ऐसा मन में लगा कि जो हम वहाँ पे पढ़े ये इस तरह से कैसे हमको ये बोल सकते हैं, कर सकते हैं। फिर भी हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़े। फिर टेंथ किया, ट्वेल्थ किया, उसके बाद टेंथ ट्वेल्थ करने के बाद अब जीवन में जैसे हमारे मम्मी पापा है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि हमको जीवन में करना क्या है, तो बस देखा देखी हमने चलो बीवॉक कर लिया। बीवॉक करने के बाद, क्योंकि तब तक हमने डिसाइड कर लिया था कि संगीत में अपना फ्यूचर देख रहे थे हम लोग कि संगीत में ही कुछ करना है, तो पढ़ाई से फिर थोड़ा सा फोकस कम होता गया था, तो फिर भी हम लोग अच्छे नंबर से पास हो गए थे क्योंकि पढ़ाई में मैं एवरेज था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो फिर 2012 में एक ऐसा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ कि वो उस प्रॉपर पॉइंट को मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन संगीत से मेरा बिल्कुल ही मन एक उठ गया, ख़त्म हो गया कि नहीं करना। तो लगभग ट्वेल्थ करने के बाद मैं सात साल तक मैं संगीत की तरफ देखा नहीं, तबले को मैंने छुआ भी नहीं। फिर मैंने ऋषिकेश से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर समझ में नहीं आया करें क्या, तो फिर
एक लॉ करने का प्लान था, इनकम टैक्स से लॉ कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग आगे जीवन में बढ़ेंगे, क्योंकि बी वॉक किया था तो फिर उसके बाद लॉ करने के लिए फॉर्म पहले डालना पड़ता है, तो आई थिंक मैं फॉर्म को फिल नहीं कर पाया था, कहीं मुझे बाहर जाना पड़ गया था तो मैं उस समय फिल नहीं कर पाया और लास्ट डेट उसका निकल गया। तो फिर अब सोच गए अब क्या करें, एक साल गैप हो जाएगा। तो उसी समय यहाँ पे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एनिमेशन कोर्स स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो फिर मैंने 2009 में एनिमेशन के लिए यहाँ पे फॉर्म डाला, फिर मैं यहाँ पे एनिमेशन में एडमिशन लिया कि ये सोच के लिया था, कुछ ऐसा प्रॉपर प्लानिंग नहीं था कि मुझे एनिमेशन करना है, ये सोच के मैंने एडमिशन लिया कि चलो एक साल है, एक साल अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा फिर से, तो ये सोच के मैंने फॉर्म डाला था। तो एडमिशन हुआ, मैंने पढ़ाई करी वहाँ पे, एनिमेशन का पढ़ाई किया, तो वहाँ पे भी थोड़ा मैंने उसको लाइटली लिया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कुछ समझ में आता ही नहीं था कि हो गया रहा है, 6 महीने ऐसे निकल गए। फिर 6 महीने के बाद जब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी कि अच्छा इस तरह से काम होता है, फील्ड ये है, तो हमारा कोर्स ही ख़त्म हो गया। फिर ये हमारे जो टीचर थे यहाँ पे पढ़ाने वाले चिंता राज सर, तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया और सारे बच्चों को ट्रेनिंग करने का मौका मिला मुंबई में, ट्रेनिंग में हम लोग गए, ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे जॉब भी हो गया हम लोग का, जॉब किए, जॉब करने के बाद जब वहाँ पे ज्वाइन लेटर मिला तो बहुत ही ऐसा फील हुआ कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हमको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो कुछ इस तरह से फिर हमने एनिमेशन में ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया, तो कुछ ऐसा प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसमें बहुत अच्छे से जॉब किया वहाँ पे, जब एज अ ट्रेनी हम वहाँ पे थे तो बहुत ही कंपनी वालों का बहुत ही ऐसा फीडबैक आया कि चिंता सर जो थे बहुत ही खुश हुए कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रहा है करके। तो फिर भी 4-3 साल मैंने जॉब किया वहाँ पे, फिर मुंबई में जॉब किया, चेन्नई में जॉब किया, तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता था कि DSV के बच्चे जो पढ़ के गए थे उनमें किसी तरह का गलत आदत नहीं था, लेकिन मुंबई में जो आर्टिस्ट जो काम करते थे उनको हर 2 घंटे में सिगरेट चाहिए होता था, हर 4 घंटे में कुछ नशीली पदार्थ का सेवन वो लोग करते थे, तभी वो बैठ के काम कर पाते थे डे नाइट ऐसा, क्योंकि फिल्म का काम होता था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था, तो वो लोग स्ट्रेस को ऐसा करने के लिए वो ऐसा करते थे। लेकिन जो जितने भी विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़ के जाते थे वो कुछ बिना गलत आदत के 12-12 घंटे 15-15 घंटे बैठ के कंटिन्यू काम करते थे, तो उनको बड़ा वैसा फील हुआ कि ये कैसे कर लेते हैं बिना कुछ नशीली पदार्थ का सेवन किए हुए, किस कैसे इतने घंटे बैठ के काम कर लेते हैं। तो फिर हमने उनको बताया कि हम लोग ऐसे जगह से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे मेडिटेशन ध्यान ये सब सिखाया जाता है, जिसके योग सिखाया जाता है, जिसके लिए हम इतना ऐसे कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकते हैं। तो जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे वहाँ पे उनको सारी चीज़ें बताई, तो उनमें से बहुत लोगों ने वो छोड़ दिया कि ठीक है हम भी ये करेंगे, ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा वहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरह से बन गया था। फिर मुंबई में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो कान का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन था, तो उसमें मुझे वापस आना पड़ गया। तो ऑपरेशन करने का जो डेट था वो 2013 था, 2013 अप्रैल का था मंथ, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 7-8 महीने का बेड रेस्ट था। तो फिर यहाँ पे चिंता सर पढ़ाते थे, तो मैं उनके पास आया, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा तो घर यहीं पे है, तुम यहाँ पे लैब में आया करो, जो तुमने सीखा है बच्चों को सिखाना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तो एक किस तरह से टीचिंग करते हैं तुमको वही पता चल जाएगा, प्रोफेशनल वर्क तो करते ही हो। फिर मैं लैब में आने लगा, बच्चों को क्लासेस लेने लगा, तो फिर ऐसा हुआ कि चिंता सर को यहाँ से जाना पड़ गया डिज़ाइन दे करके, तो सर चले गए, फिर मैं यहाँ पे रह गया VFX का, यहाँ पे उस समय मैं ही अकेला था। तो फिर एक नया बैच आ गया, तो मेरा कुछ ऐसा प्लान ही नहीं था कि मैं यहाँ पे टीचिंग करूँ, नया बैच आ गया, तो फिर मैम ने कहा कि अभी ये बैच को पढ़ा लो, 6 महीने पढ़ा लो, फिर उसके बाद अपना जॉब करने तुम चले जाना, नहीं तो फिर नए बच्चे हैं, फिर फैकल्टी ढूंढने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनको 6 महीने पढ़ाया,
छः महीने पढ़ाने के बाद फिर मैं मैम से बोला कि मैम मैं थोड़ा अब देखता हूँ आगे का मेरा क्या होता है। तो जब तक भी फैकल्टी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था तो मैम ने कहा कि 6 महीने और पढ़ा दो, इतना दुरुक गए हो। तो फिर मैंने 6 महीने बच्चों को और पढ़ाया। फिर 6 महीने पढ़ाने के बाद जब बच्चों को मैंने फील्ड में भेजा तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कंपनी से कि बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा के भेजा है, तो वो चीज़ बहुत ही अंदर से मुझे अभिभूत करती है कि मैंने पढ़ाए हुए बच्चों को प्लेसमेंट मिला। और ऐसा फिर उस समय से कुछ मैं फैमिली मेम्बर में अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि अब कहाँ जाएगा, अब यहीं रह जाओ। तो इस तरह से फिर चीज़ें चलती रही, द्वंद होता रहा कि रहूँ कि ना रहूँ, रहूँ कि ना रहूँ। फिर लास्ट टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते। फिर मैं यहाँ पे रहा और यहाँ पे सेवा देने लग गया। साथ ही साथ जब मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मैं जब स्टार्टिंग में आया था 12th के बाद, जब मैं 2013 में आया था मुंबई से, तो उस समय भी एक गैप था, टाइम का पीरियड का गैप था। तो मैं मास्टर्स डिग्री मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो मुझे लगा कि अब मास्टर्स तो कर लेना चाहिए, तो किस में किया जाए। तो मैंने सोचा चलो म्यूज़िक में कर लेते हैं, क्योंकि म्यूज़िक मेरा बीच में छूटा हुआ था। तो उस समय मैंने म्यूज़िक से मास्टर्स किया। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि क्या करेंगे। तो मास्टर्स करने के बाद मास्टर्स हो गया, फिर मैंने यहाँ पे विश्वविद्यालय में मास्टर्स जो म्यूज़िक में भी और एनिमेशन में भी, दोनों में मैं क्लास लेता था, दोनों फील्ड को मैं क्लास लेता था। ये गुरुजी की कृपा है कि दोनों फील्ड में अपना बराबर स्किल को मैं डेवलप कर पाया। तो अभी भी मैं म्यूज़िक में भी क्लास लेता हूँ और एनिमेशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया। तो नेट का एग्ज़ाम मैंने जब फॉर्म भरा तो फर्स्ट टाइम तो खैर क्लियर नहीं हो पाया था, सेकेंड टाइम में मैंने सब्जेक्ट ही गलत भर दिया था। जो मेरा सब्जेक्ट था वो दूसरा सब्जेक्ट मैंने भर दिया था, वो गलत भर दिया था। तो फिर मैंने थर्ड टाइम में फिर से भरा फॉर्म को, और थर्ड टाइम में मेरा नेट और JRF दोनों क्लियर हो गया। तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया, JRF हो गया है, बहुत लोगों ने कहा कि JRF हो गया है, स्कॉलरशिप मिलेगा, आप यहाँ पर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उनकी बातों को उतना सीरियसली लिया नहीं। मैंने जब यहाँ पर आ गए तो फिर यहाँ से फिर जाने का फिर ऐसा प्लान नहीं आया मन में कि नहीं अब जो करना है यहीं पे करना है, अब यहाँ से अब नहीं जाना कहीं भी। फिर वो चीज़ों को फिर मैं आदरणीय चिन्ह भैया से मार्गदर्शन लिया कि भैया क्या करना चाहिए, उन्होंने मुझे गाइड किया और वो चीज़ों को फिर स्मूथली मैं अपने जीवन में करता चला गया। तो इस तरह से कुछ मेरा अनुभव था जीवन का जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर मेरे इस अनुभव से किसी को कुछ सीखने को अगर मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा। इसे सभी सुनने वालों और देखने वालों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास जी, आपने बताया कि सद्गुणों के सुवास से सुवासित व्यक्तित्व ही वास्तविक व प्रभावी व्यक्तित्व होता है। अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सेशन के एमिनेंट स्पीकर रोहित रावल जी को, जो कि हैं डिप्टी मैनेजर HDFC बैंक, साथ ही रह चुके हैं असिस्टेंट मैनेजर ICICI बैंक जूनागढ़ गुजरात। रोहित रावल जी, नमस्कार, मैं रोहित रावल जूनागढ़ गुजरात से। धन्यवाद करना चाहता हूँ चिन्मय भैया का जिन्होंने लर्न फ्रॉम लीडर्स प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं फ़िलहाल गुजरात में जूनागढ़ में HDFC बैंक में एज ए डेप्यूटी मैनेजर हूँ। उससे पहले मैं ICICI बैंक में था, 7 ईयर्स मैं वहाँ पर एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने काम किया। लास्ट 1 ईयर से मैं अभी HDFC बैंक में हूँ। लर्न फ्रॉम लीडर्स प्रोग्राम जो चिन्मय भैया ने चलाया है वो इसके लिए कि आज आप जहाँ कॉलेज में हैं, कभी हम भी कॉलेज में थे, शांतिवन में हम पढ़ते थे, शांतिवन से निकले, कॉलेज किया, उसके बाद जॉब के लिए, मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था, उसके बाद मेरा घर गुजरात में है तो मैं गुजरात में आ गया हूँ। शांतिवन भी हमारा घर ही है, पहला घर जबकि शांतिकुंज ही है। यहाँ तो बाद में हमारा बचपन, हमारी जवानी सारी शांतिकुंज में ही बीती है। तो हर साल शांतिकुंज तो हमारा आना होता ही होता है, ये तो कन्फर्म है कि हमें शांतिकुंज एक बार आना ही है।
आज जहाँ आप कॉलेज में हैं, उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे वहाँ से कॉलेज में, अपने अपने जो भी आपके कोर्सेज हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई जॉब करने जाएगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, कोई कुछ और करेगा, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे आप जाएंगे। और इस लर्न फ्रॉम लीडर्स में आपको यही जानने के लिए हम सबको कहा गया है कि आपको ये बताएं कि आगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको आपको कैसे फेस करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरों का एक्सपीरियंस है उन्होंने आपको बताया, आपको सब में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा, किसी से कुछ किसी से कुछ। बात यही है कि जब आप कॉलेज से निकलते हैं तब वो एक दिल में होता है कि हमने ये कोर्स कर लिया, अब हमें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, अब हमें वहाँ जॉब मिल जाएगी, और उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे, हम खर्च करेंगे और सब कुछ सही रहेगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल फिर वहाँ से चालू होता है जब हम कॉलेज से निकल जाते हैं और जॉब में चालू होते हैं या फिर अपना कुछ बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी मेहनत करनी है, जॉब में भी मेहनत करनी है, मेहनत करके ही आगे बढ़ना है हमें। शांतिवन के जिस वातावरण में आप रह रहे हो, हम वहाँ पे रहे हैं और हमने वहाँ जो सीखा है वो हमें अभी भी लाइफ में काम आ रहा है, आपको भी आएगा। तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक का यज्ञ करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये सब आपके लाइफ में आगे काम आएगा, क्योंकि ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें लगता होगा समटाइम, जैसे आप अभी कॉलेज में हो, हम भी कॉलेज में थे, तो हमें भी लगता था इसकी क्या ज़रूरत है, पर इसकी बहुत ज़रूरत है, ये आगे हमें ज़रूर लाइफ में आगे काम देते हैं। स्वाध्याय करोगे, आपका दिमागी आप दिमागी रूप से मजबूत बनते हो। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, योगा करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वर्क लोड रहता है, काम रहता है, व्यस्तता रहती है, तो उन सब के बीच में भी हमें अपने परिवार के लिए भी टाइम निकालना है, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना है, और उसमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो हमें शांति कुंजियों से सिखाया जाता है कि आप सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा स्वाध्याय करो, लाइफ में आपको ये सब कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। रही बात हम लोगों की, तो जब हम लोग वहाँ पे छोटे थे तब 8 तक वहाँ पे था, उसके बाद हम बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, 9, 10, 12 वगैरह सब बाहर था। अभी वहाँ पे 12 तक हो गया है, कॉलेज हो गए, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे, आप सभी के सभी कोर्स वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार। शांतिगंज एक हब है अपॉर्चुनिटीज़ का, वहाँ इतनी चीज़ें हैं, इतनी एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं कि आप करते करते थक जाओगे। आप एक बार देखना वहाँ पे आँख खोल करके चारों तरफ कितनी कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं, जिसे कैसे कहें कि मतलब कि इतनी सारी चीज़ें जिनको हम चाहे जो हम योगा के उसमें फील्ड में आगे जा सकते हैं, हम एनिमेशन का वहाँ पे एनिमेशन के फील्ड में आगे जा सकते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्क के उसमें आगे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी माता जी का आशीर्वाद है वहाँ पे, हमारे सीनियर्स भैया लोग हैं वो आपको होल लाइफ आपको क्या कहते हैं हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप आज शांतिवन में हो और शांतिवन में कोर्स करने के बाद आप चले जाते हो, तो उसके बाद आप शांतिवन जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं अलग जगह आए हो, आपको कोई मिलेगा नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने कॉलेज का सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद चाहते हो दूसरी जगह, कहीं जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, फिर भी आप कभी शांतिवन में आते हो, आप अपने सीनियर से मिलते हो, वहाँ पर जो भैया लोग हैं उन लोगों से मिलते हो, तो आप कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, दुविधा होती है, तो उसमें सोल्यूशन देने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे साथ भी है, हमारे भी बड़े भैया लोग थे, हम जब छोटे थे हम लोगों के जो सीनियर्स भैया लोग थे, आज भी हम लोग भैया ही कहते हैं उन्हें, जैसे बुआ जी फुआ जी को हम आज भी बुआ जी फूफा जी ही कहते हैं, चाहे हम कितने बड़े हो जाए हमारे लिए बुआ जी फूफा जी ही हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब और जी जी, हमारे लिए वो बुआ जी फूफा जी हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं। वैसे ही आप लोगों के साथ भी है, आपके जो सीनियर्स हैं हमारे भैया लोग हैं, आप लोगों के भी वहाँ पे सीनियर्स हैं, आपको आगे भी लाइफ में ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं जहाँ पे अभी हूँ HDFC बैंक में, मैं इससे पहले दिल्ली में था, बता दूँ कि दिल्ली में भी मैंने लगभग 3-4 साल काम किया था, उसके बाद मैंने वापस यहाँ पे अपना गुजरात में जब आया
तो गुजरात में आने के बाद हुआ ये था कि जो मैंने वहाँ दिल्ली में काम किया था, मैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आया था, ये बहुत बड़ी जगह नहीं है जूनागढ़, तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। यहाँ पे जॉब के लिए देखा जाए तो मोस्टली बैंक्स हैं और तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी और दूसरी होगी कंपनी। तो बैंक्स में ही जॉब करना था और बैंक मेरे लिए फर्स्ट टाइम जॉब थी, क्योंकि बैंक का मेरा कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो मेरे लिए जीरो से वापस स्टार्ट करना था। वापस मैंने जीरो से स्टार्ट किया और चलते रहा। 7 साल मैंने ऐसे ऐसे बैंक में काम किया, वहाँ मैंने सीखा अपने सीनियर से, अपने कुलीग से, इन सब से सीख करके आगे बढ़ा। टाइम दिया तब कुछ सीखने को मिला, उसके बाद मैंने स्विच करी तो HDFC बैंक में आया हूँ। और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा, स्विचिंग वगैरह चलती रहती है। तो लाइफ में यही है कि कभी वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा वापस। कभी फेल होते लाइफ में तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है हमें करने के लिए, सब कुछ होगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा अपने आप पर विश्वास रखो। गुरुजी माता जी पीछे बैठे ही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। जब कभी ऐसी दुविधा में फंस जाओ कि समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, आपका परिवार है, दोस्त है, उनसे चर्चा करो। नहीं समझ में आ रहा सॉल्यूशन, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने सॉल्यूशन निकलेंगे, उनमें से कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता, हम उस पर सोच विचार करके आगे बढ़ पाते हैं नहीं बढ़ पाते। कभी ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए तो एक काम करना, गुरुजी माताजी के पास जाकर के 10 मिनट बैठ जाना। 10 मिनट बैठना, मन को शांत कर लेना, बोलना गुरुजी आपको जो करना है वो आप बताओ, आप जैसा करोगे वैसा सही होगा। अपने आप आपका मन शांत होने लगेगा, थोड़ी देर 10 मिनट आप ध्यान करोगे। इसीलिए सिखाया जाता है शांत होने में कि ध्यान करो, आपका मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। तो वो ध्यान जब आप करोगे उससे आपको ये होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक आपको सही सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि वैसे आप देखते रहोगे तो आपका मन हमेशा मन चंचल है सबका, कभी इधर की ओर दौड़ेगा कभी उधर, समझ में नहीं आएगा कि ये सही है वो सही है। पर जब आप गुरुजी के सामने 10 मिनट बैठोगे शांत मन होकर के, तो आपको एक अच्छा रास्ता दिख जाएगा कि ये करना है। फिर गुरुजी पे छोड़ दो, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पीछे बैठे हुए हैं वो, उनके ऊपर छोड़ दो और चलने दो, अपने आप सब कुछ रास्ता सही निकल आएगा। ये हमारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, जब बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसमें आगे क्या करना है, तो सीधा सिंपल सा गुरुजी के पास गए, 10 मिनट के लिए बैठ गए, ध्यान कर लिया, भाई अब गुरुजी आप पे छोड़ दिया, आपको क्या करना है, आप ही आगे करना, रास्ता दिखाना, रास्ता मिल ही जाता है। फिर बच्चे ही हैं उनके, आप सबको भी एक अच्छा मौका मिला है शांतिकुंज में रहने का। शांतिकुंज जगह ही ऐसी है जहाँ पे एनर्जी भरी पड़ी है, इतनी एनर्जी है कि बस आप कभी भी लाइफ में कभी भी थको एक बार वहाँ आ जाओ, 5 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, फुल आप एनर्जी से भरपूर, आपको एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि आप वापस आगे जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो सबसे निकल करके बाहर अपना रास्ता निकाली होगे। जिन्हें कहा ये कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मन को शांत रखो, मन ही एक ऐसा है जो चंचल है, मन को शांत रखोगे तो सब सही होता चल जाएगा। गुरुजी ने कहा ये कि परिवर्तन प्रगति की पहली सीढ़ी है। मैं भी जब दिल्ली से यहाँ पे आया था तो चेंजेस था, मैं पहले से ही बचपन से ही वहाँ पे रहा हूँ शांतिकुंज में, फिर दिल्ली में, मैं गुजरात के रूप में तो रहा ही नहीं, पर यहाँ पे आया तो यहाँ का वातावरण अलग है। यहाँ पे गुजराती बोलते थे, मैं गुजराती नहीं बोलता था, फिर भी मेरे को आ गई धीरे धीरे, तो परिवर्तन हुआ। मैं वहाँ दूसरी कंपनी में था, यहाँ बैंकिंग सेक्टर में चला आया। परिवर्तन प्रगति की पहली सीढ़ी है, तो परिवर्तन होता है लाइफ में, तो परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के भी लाइफ में जब भी कोई चैलेंजेस आएंगे तो आप उसको बहुत ही शांत मन से हैंडल करेंगे और उसमें आप ज़रूर पार पा लेंगे। कि ऐसा तो होना नहीं है कि हम बढ़ते चले जाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आनी है, तो जॉब की होगी या परिवार की होगी, आर्थिक मानसिक किसी भी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लाइफ में सबके रहती है, आपके मेरे सबके प्रॉब्लम रहती है। तो उन प्रॉब्लम्स को हमें जो सॉल्यूशन निकालने हैं उसको शांत मन से निकालने हैं, ऐसे नहीं कि भागा दौड़ी में इसके
उससे सोल्यूशन निकल जाएगा, उससे सोल्यूशन ऐसे ही शांति से बैठो, आराम से विचारो किसी भी चीज़ को, कोई भी अपने को सोल्यूशन निकालना है उसको प्रॉपर वे में विचार करके सोच करके फिर कोई एक्शन लेना है। जल्दी का काम शैतान का हुआ है ना, कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो गलत हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं करना, शांत रह करके अपने मन को फिर विचार करके फिर आगे बढ़ना है। अभी आप जहाँ पे शांति कुंड में DSVU में रह रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, अद्भुत कॉलेज है जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ मानव बनाए जाते हैं, क्योंकि डिग्री तो हर कॉलेज में मिल जाएगी, डिग्री लो, मास्टर डिग्री लो, बैचलर डिग्री कोई भी, वो तो हर कॉलेज में मिल जाएगी। यहाँ आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, कैसे जीवन में जीना है। पैसा तो सब कमा लेंगे, कोई बिजनेस करके कमा लेगा, कोई जॉब करके कमा लेगा, कमाने वाले चोरी करके भी कमा रहे हैं, तो वो तरीका गलत है। चोरी करके कमा रहे हैं, डकैती करके कमा रहे हैं, वो तरीका गलत है। हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, अपनी मेहनत से करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान बनना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, जो हमें शांति कुंड में सिखाया जाता है। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है, तो हम दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जो हमें अच्छा लगता है। कोई हमारे साथ कैसे बात करता है, हमें जैसे बात करने में अच्छा लगता है, कोई हमें आप करके बुलाता है तो अच्छा लगता है, तो हमें भी दूसरों के साथ आप करके ही बात करनी पड़ेगी। यदि आप दूसरों को तू तू करके बात करोगे तो आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो आपको आप बोले। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें शांति कुंड में सीखने को मिलती है। जगह जगह शांति कुंड में सद्वाक्य लिखे हुए हैं बहुत सारे, आप पढ़ते भी हो, कुछ को हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उतार लेते हैं जीवन में, कुछ को नहीं उतारते। पर बहुत सारा है, ठीक है, हम इतने बड़े बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि हम सब कुछ अपने दिमाग में डाल लें, पर फिर भी हमें वहाँ पे रह रह करके इतना कुछ तो जानने को मिल ही जाता है जो बाकी लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उस वातावरण में ही रह रहे हैं। कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है हर चीज़ में। आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, पर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को आदत है, तो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को दिक्कत नहीं होती उस बारिश से, बहुत ठंडी से। पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में हम 5 किलोमीटर चलना होगा तो हम थक जाएंगे, पहाड़ी लोग 10 किलोमीटर आराम से चल जाएंगे। क्यों? उनको उस एनवायरनमेंट की आदत हो गई है। तो आशा करता हूँ कि इस सब में जो भी आप लर्न फ्रॉम लीडर्स से लोगों से सीख रहे हो, जो हमारे कुछ बड़े भाई लोगों ने, छोटे भाई लोगों ने भी वीडियोस बना करके भेजे हैं और आपको बताया है, उसमें से आपको कहीं ना कहीं सब में से कुछ ना कुछ काम का मिल गया होगा, और वही आपके लाइफ में आगे काम भी आएगा। बाकी आप जहाँ पर रह रहे हो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा है। एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है, एक लाइफ में जीने का तरीका भी आपको सिखाया जा रहा है, कैसे अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ रखना है वो भी आपको वहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो आप बड़ी अच्छी जगह पे आए हो, या आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को वहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है। शांति कुंज में गुरु जी माता जी ने शांति कुंज को बनाया, वहाँ पे आप रह रहे हो, बुआ जी फूफा जी के सानिध्य में, चिन्मय भैया हैं, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप चिन्मय भैया के पास जा करके कभी भी बात कर सकते हो। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मेरे पास डायरेक्ट क्यों आओ, जैसे दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप किसी चांसलर के पास या किसी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते बात करने के लिए। यहाँ तो एक परिवार है, परिवार की तरह है, आप तो उस परिवार का हिस्सा हो। कभी भी आप जाकर के उनसे कोई भी सोल्यूशन मांगोगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आएंगे। रामोतार जी हैं वहाँ पे, गोपाल भाई हैं, ये भी लोग वहाँ पे हैं, हम सब साथ में ही पढ़ते थे। गोपाल हमसे छोटा है, रामोतार जी हमसे बड़े हैं, तो वो भी यहाँ पे हैं और आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा वहाँ तैयार रहते ही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और डेफिनेटली अच्छा करेंगे। जहाँ भी आपको चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको शांति से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे भी आप सीखते रहेंगे। और कभी भी ऐसी कोई लाइफ में दिक्कत होती है तो आप शांति कुंड में आकर के जब भी आपको दिक्कत आए 5-10 दिन के लिए रुक जाओ, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। और ये भी है कि एक बार आप यहाँ पे आ गए हो तो डेफिनेटली आप आओगे ही आओगे, ये जगह ही ऐसी है, लोगों को अपने आप अट्रैक्ट करती है।
एक मैग्नेटिक पावर है शांति कुंज में। आप कहीं भी जाओगे एक बार खींच करके वहाँ जरूर आओगे। हम लोग इतने साल हो गए, 28 लगभग 28 या 29 साल में वहाँ रहा हूँ। उसके बाद भी मैं अब गुजरात में हूँ, तब भी हर साल वहाँ पे एक बार तो जरूर आता हूँ। आए बिना रहा नहीं जाता, जगह ही ऐसी है, हमारा घर है और घर पे तो सबको एक बार आना ही पड़ता है, तो हर साल मैं आता ही हूँ वहाँ पे। और फिर भी मैं जब कभी वहाँ पे आऊँगा DSVB में, लास्ट ईयर तो नहीं आ सके थे कोरोना पैंडमिक के कारण, पर नेक्स्ट टाइम अभी मैं जब आऊँगा इस साल में ही लगभग आऊँगा, तो मौका मिला तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से भी आकर के वहाँ पे मिलूँगा। बाकी गोपाल भाई तो मिलते रहते हैं, बात भी हो जाती है उनसे फ़ोन पे। आशा करता हूँ आप लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे और कोशिश करते रहना, कभी भी लाइफ में दिक्कत हो तो परेशान होकर के अपने आप को परेशान होकर के अपने आप को ये मत सोचना कि अब मैं यहाँ से फेल हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली होगा, ज़रूर होगा। आप बस अपने मन को शांत रखना और जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो गुरुजी माताजी को याद कर लेना और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब वहाँ पे स्वस्थ रहें और जीवन बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित रावल जी आपका। आपके जीवन के अनुभव निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। अब इस सेशन में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी अगली एमिनेंट स्पीकर युग प्रहरी जी को, जो कि हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर Pro.Group ग्रुप न्यू दिल्ली इंडिया में। युग प्रहरी जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम युग प्रहरी है। मैं शांति कुंज के समर्पित कार्यकर्ता श्री वीरेंद्र चौधरी जी एवं श्रीमती सरिता चौधरी जी की सुपुत्री हूँ। मेरा जन्म, पालन, पोषण, शिक्षा सारी चीज़ें शांति कुंज में हुई हैं। वर्तमान में मैं Pro.Group ग्रुप में HR मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमें सदैव परम पूज्य गुरुदेव, माता जी, बुआ जी, फूफा जी का मार्गदर्शन, संरक्षण, प्यार हमेशा मिलता रहा है। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ चिन्मय भैया एवं वेब टॉक सीरीज के सभी सदस्यों को, जिन्होंने मुझे मेरा अनुभव शेयर करने का अवसर प्रदान किया। वैसे तो बाय प्रोफेशन मैं HR मैनेजर हूँ, बट इसकी सारी क्वालिटीज़ मैंने शांति कुंज से ही सीखी है। शांति कुंज एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, आर्ट ऑफ लिविंग की सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती है, बल्कि यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि यह चीज़ें हम खुद ब खुद ही सीख जाते हैं। एक मनुष्य के अंदर जितनी भी व्यक्ति निर्माण की चीज़ें हैं वो हम शांति कुंज के दिव्य वातावरण से सीखते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें हमारे आज की लाइफ में प्रोफेशनल या हम पर्सनल दोनों ही लाइफ को देखें तो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम वहाँ के वातावरण में खुद ब खुद सीखते हैं। अगर प्रोफेशनल करियर की बात करें तो अभी तक के प्रोफेशनल करियर से जो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं या जो चीज़ें मैं अन्य अनुभव करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर हमें अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहली चीज़ कि हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जो कि हमारे खुद के एरिया ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए, ना कि किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के। अगर हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें ही ध्यान में रखते हुए अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो हम उस कार्य को बहुत ही बखूबी से निभाएंगे और बहुत ही मन से करेंगे, और हमें कार्य वही करना चाहिए जिसमें हमें बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि यह कार्य इन प्रोफेशन अगर हम देखें तो ये कार्य वो चीज़ है जो हमें रेगुलरली ही करनी है। अगर वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होंगी तो हम वो रेगुलरली वो नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें हमारे लिए भार बनती जाएंगी। तो इसलिए कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के या किसी भी दबाव में आकर के हमें अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य सही निर्धारित नहीं होगा तो हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अगर यही हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हम जो भी मेहनत करेंगे हमें ज़रूर एक नए दिन सफलता मिलेगी।
अपने लक्ष्य निर्धारण के बाद फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी हार्ड वर्क के साथ, जो कि चीज़ें हमें शांति कुंज में सिखाई जाती हैं कि फुल हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ हमें सारे कार्य करने चाहिए, उसके साथ हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है कई बार आपको बहुत असफलताएं मिलें, उन असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। तो उन असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम इंटरव्यूज देते हैं, हमारे रिजेक्शंस आ जाती हैं, तो उस रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। उसका इंटरव्यू में रिजेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपका एज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है। तीसरा, आप ओवर क्वालिफाइड हैं। सपोज़ एक जूनियर प्रोफाइल के लिए अगर हायरिंग हो रही है और अगर आपका सीनियर एक सिंपली ग्रेजुएट है एंड यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, तो जब आप उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आप रिपोर्ट अपने सीनियर को ही करेंगे जो कि ग्रेजुएट हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा कि इनकेस समटाइम्स होता है कई बार ऐसा प्रोफेशन में कि आपके सीनियर को आपकी गलती पर कई बार आपको डांटना पड़ता है। उस केस में क्या होगा, अगर वो आपको डांटेंगे तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस करेंगे, एंड दूसरी चीज़ आपके अंदर भी थोड़ा ऐसा ईगो आ जाएगा कि इनको तो मेरे से कम आता है और ये मेरे से कम क्वालिफाइड हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कई बार हायरिंग होती है और कई बार रिजेक्शन हो जाता है। तो उन सारे रिजेक्शन से निराश नहीं होना चाहिए और अपने आप को पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता हासिल हो सके। और अगर हम सही प्रयत्न कर रहे हैं, सही दिशा में अगर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सफलता ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। सेकेंड पॉइंट आता है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपनी एक विशेषता के साथ ही धरती पर भेजा है। हर किसी के अंदर एक अलग तरह की विशेषता है, तो अपनी ही विशेषताओं को निखारना चाहिए, ना कि हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर करना चाहिए। अगर हम अपने आप को कहीं किसी और से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ डीमोटिवेट ही होते हैं, क्योंकि जो विशेषता किसी दूसरे व्यक्ति में है वो विशेषता हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर कोई और विशेषता है। हमें उसे ना निखार के दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं जो कि उस फील्ड में अच्छा कर रहा है, और हम उसको ही देख करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर हम डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि हमने अपने जो हमारा चॉइस है, जो हमारी विशेषता है या जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमने उसको निखारने पे ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपना कंपेयर हमें अपने साथ ही करना चाहिए कि हम जैसा हमारा कल था वैसा हमारा आज ना हो। कल जो भी कमियां रह गई थी वो सारी कमियां आज हमारी पूरी हो जानी चाहिए। तो डेली अपने आप को ही निखारना चाहिए, डेली अपने आप का ही परिष्कारण करना चाहिए। इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो हमारे अंदर इतनी सारी खूबियां हैं जिसका हमें पता चलेगा, और उसको हम आगे निखारेंगे तो हमारा आत्म परिष्कार होगा। तो इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करके खुद से ही कंपेयर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, और कभी भी किसी को कॉपी ना करें, क्योंकि हर किसी में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो जिनकी विशेषताएं हैं उसको अपने आप में धारण करें, अपने आप में ग्रहण करें, ना कि पूरी तरीके से कॉपी करें। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है, डोंट बी स्टेगनेंट। कई बार क्या होता है, हम एक प्रोफाइल में आ जाते हैं और उसके बाद, मैं प्रोफेशनल करियर की बात कर रही हूँ, हम एक प्रोफाइल में आ जाते हैं और 2-3 साल उसी प्रोफाइल में रहने के बाद हमारे कंफर्ट जोन बन जाता है। मतलब सैलरी हमारी टाइम पर आ रही है, हमारी उतनी सैलरी आ रही है कि हमारा जीवन अच्छी तरीके से कट रहा है, और हम एक सिक्योर हो जाते हैं जॉब को लेकर के। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक कंपनी में आपने 2-3 साल का टाइम दे दिया है तो कंपनी भी आपको आगे सस्टेन करना चाहती है, तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे ग्रो नहीं करवा पाते हैं। तो अपने अपने ग्रोथ के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल करियर में हमारे शुरू के इयर्स ही ऐसे होते हैं जहां पर हमें बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ मिलती है, और हम जितना चाहें उतना ज़्यादा उस टाइम में ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेगनेंट हो गए, हम एक ही प्रोफाइल पर रुक गए, एक ही पोजिशन पर रुक गए, तो वो ग्रोथ हमारी वहीं पर रुक जाएगी, और एक टाइम आने के बाद हम उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने
लर्निंग को या अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं चाहिए, और जहाँ से मिले जो भी मिले हमें सीखना ज़रूर चाहिए। अपनी लर्निंग एबिलिटी को हमेशा ऑन रखना चाहिए कि हमें चाहे हमारे जूनियर्स से, चाहे हमारे सीनियर्स से, चाहे हमारे कलीग से जो भी सीखने को मिल रहा है हमें सीखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि बी हेल्पफुल एंड काइंड। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है कि लोग अपने प्रमोशन के लिए अपने कलीग्स का या अपने जूनियर का, अपने बॉस के सामने कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि जिसकी वजह से बॉस उनसे इम्प्रेस हो जाए और उन्हें प्रमोट करे या उनको अप्रेज करे। बट ऐसा नहीं होता है, बॉस आपकी बात ज़रूर सुनते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि आप उस टाइम पे नेगेटिव दिख रहे होते हैं, क्योंकि आप तो अपना बोल के चले गए, लेकिन अप्रेजल के टाइम पर क्या होता है, एक्चुअली 360 डिग्री अप्रेजल होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका वर्क देखा जाता है, आपके टारगेट्स देखे जाते हैं कि आपने कितना टारगेट अचीव किया है, आपका अपने सुपीरियर के साथ क्या बिहेवियर है, आपका आपके जूनियर्स के साथ क्या बिहेवियर है, आपका अपने कलीग के साथ क्या बिहेवियर है, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें ही आपके मेजर करी जाती हैं उस टाइम पे। ये अप्रेजल के टाइम पर ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आपका अप्रेजल होता है। तो कभी भी अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए किसी और को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को नीचा ना दिखाएं, जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की मदद ही करें। हमें शांति कुंज से हमेशा ये सीख मिलती है कि जितनी ज़्यादा जितनी शक्ति हो उतना ज़्यादा उतना मदद करना चाहिए, हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए और हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, जिससे कि अपने साथ साथ हमें औरों को भी बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड बी काइंड। एंड वन मोर थिंग, इंक्लूड योगा एंड मेडिटेशन इन योर लाइफ। आपके पास 24 घंटे होते हैं दिन के, आप हाफ एन आवर अपना निकाल सकते हैं योगा एंड मेडिटेशन के लिए। एंड बिलीव मी, अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे तो आपके साथ आपके लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आपकी ही लाइफ है जो कि आप पहले जी रहे थे। क्योंकि अभी के टाइम में प्रोफेशनल लाइफ में वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमारी मेंटल अनस्टेबिलिटी हो ही जाती है, और मेंटल स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। सपोज़ आप ऑफिस में हैं, आपको ऑफिस में कोई प्रेशर आया, कोई टेंशन आया, आपने उसे होल्ड कर लिया, बट वो कहीं ना कहीं निकलेगा ही। वो आप हो सकता है घर में आकर के वो स्ट्रेस बर्स्ट आउट हो, कुछ भी हो सकता है इसके लिए। लेकिन अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपके प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ दोनों ही इक्वल चलती है। इसलिए हमारी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको योगा एंड मेडिटेशन से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर सपोज़ हम अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हैं, बट अगर हम पर्सनल लाइफ में अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वो फिर हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। इसलिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को इक्वली लेके चलना चाहिए, और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हमारे गुरुदेव भी हमेशा कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए, सदैव मुस्कुराइए। मुस्कुराहट में एक स्माइल में एक ऐसा आकर्षण होता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि एक छोटा बच्चा है, उसके पास दो व्यक्ति जाते हैं, एक है कि जो स्माइल कर रहे हैं और एक है जो नॉर्मल खड़े हैं, तो बच्चा ज़रूर वो स्माइलिंग पर्सन के पास ही जाएगा। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि एक स्माइल क्या होती है, एक जो अगर व्यक्ति हंस रहा है ज़रूर उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स है, तो बच्चा उधर ही खींचा चला जाएगा। सेम हमारे साथ भी होता है, अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ते चले जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जितने लोग हमारे से जुड़ते चले जाएंगे विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे क्या होगा, हम हमारे गुरुदेव के विचारों को उन लोगों तक पहुंचा सकेंगे, और इसी तरीके से हम जन जन तक हमारे गुरुदेव के विचारों को पहुंचा सकेंगे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे कि आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव रहेगा, और अगर आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव रहेगा तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम हमारी ज़िंदगी में सफल बन चुके हैं लेकिन हम अगर एक अच्छे व्यक्ति नहीं, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए हैं, तो वैसी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो सफलता सफलता नहीं कहलाती, वो असफलता ही कहलाती है। तो इन सब चीज़ों के, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों में सर्वोपरि है एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा
अच्छा इंसान बनने में अगर सफल हो गए तो समझिए हमने जीवन में सफलता हासिल कर ली है। वो अच्छा व्यक्ति या अच्छा इंसान हम कैसे बनेंगे? हमारे गुरुदेव के साहित्य से। गुरुदेव का साहित्य एक ऐसी संजीवनी बूटी है जिसमें कि हमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान, सारी दुविधाओं का समाधान मिलता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी किसी भी दुविधा में फंसी हूँ तो मुझे उसी समय गुरुदेव का सद्वाक्य किसी न किसी रूप में मेरे सामने ज़रूर आया है। मैं कई बार इस बात को लेकर के शॉक भी हुई हूँ कि उस सिचुएशन पे सही समाधान कैसे। तो ये हमारे गुरुदेव का प्यार ही है जो हर वक्त अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप अपने व्यस्ततम लाइफ में से कुछ समय ज़रूर निकाल कर अखंड ज्योति का अध्ययन ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट एक पेज ज़रूर पढ़ें, जिससे कि हमें हमारी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हमें मिल जाएगा और हम एक अच्छा इंसान बनने की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं के साथ अपने सारे अनुभवों को साझा करते हुए मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देती हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद युग प्रहरी जी, आपने बताया कि किस प्रकार लक्ष्य का निर्धारण कर उसे प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस प्रकार से लर्न फ्रॉम लीडर सीरीज का 12वां एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है। यह प्रयास है युवाओं को नई प्रेरणा देने का देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से। आप सभी से प्रार्थना है कि इन संदेशों को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाएं ताकि वे अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन करके अपने माता पिता का, अपने संस्थान का नाम रोशन कर सके। आप सभी से प्रार्थना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। @DSVVOfficial को स्क्रीनिंग इसकी जहां तक हो रही है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, फिर से एक नए एपिसोड के साथ, नए स्पीकर के साथ आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।